दोस्तों कि आपका भी टिकट वेटिंग लिस्ट में है या फिर दोस्तों आप भी वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक करते हैं, तब दोस्तों रुकी रुकी एक ट्रेन में पटना से हावड़ा जंक्शन के लिए 20 दिसंबर को 33 वेटिंग लिस्ट है और 79% चांस बता रहा है, इसमें आप टिकट बुक कीजिएगा। या फिर दोस्तों एक ट्रेन में वही 20 दिसंबर को पटना से हावड़ा जंक्शन के लिए 16 वेटिंग लिस्ट है लेकिन इसमें 72% चांस बता रहा है। अब दोस्तों आप कन्फ्यूज हो गए हो ना कि किस में टिकट बुक करें, सो दोस्तों कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस में आपको टिकट बुक करना चाहिए या फिर दोस्तों आपको किस में छोड़ देना चाहिए। दोस्तों यह जरूरी नहीं है कि जब आप किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करेंगे तब दोस्तों आपको हमेशा खाली ही सीट मिलेगा, अवेलेबल ही सीट मिलेगा। दोस्तों कई बार आपको सीट अवेलेबल मिल सकता है या फिर दोस्तों कई बार आरएसी मिल सकता है या फिर दोस्तों आपको वह टिकट वेटिंग लिस्ट में भी मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको वह टिकट आरएसी या फिर दोस्तों खाली मिल रहा है तब तो दोस्तों यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब आती है जब आपका उस ट्रेन में टिकट अवेलेबल या फिर आरएसी के बजाय वेटिंग लिस्ट में मिलता है, तब भी दोस्तों आपको वेटिंग लिस्ट में टिकट लेना पड़ता है। दोस्तों आप लोग वेटिंग लिस्ट में टिकट इसलिए लेते हैं ताकि दोस्तों आपको ये उम्मीद होता है कि उस दिन तक मेरा टिकट जो है वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो सकता है या फिर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जानकारियां के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है या फिर दोस्तों अगर आप वेटिंग लिस्ट टिकट काट रहे हैं तब दोस्तों आपको किस तरीके से वेटिंग लिस्ट टिकट काटना है ताकि दोस्तों वो कंफर्म होने का बिल्कुल हाई चांस रहे या फिर दोस्तों आपका ट्रेन चार्ट बनने तक आपका टिकट कंफर्म हो ही जाए। दोस्तों अगर आप वेटिंग लिस्ट टिकट थोड़े से रिसर्च करके काटेंगे तब दोस्तों आपको 99% चांस है कि आपका वो टिकट ट्रेन चार्ट बनने बनने तक आपका टिकट वेटिंग लिस्ट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे ही टिकट बुक कर देते हैं और दोस्तों सोचते हैं कि अच्छा कंफर्म हो जाएगा तब ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करके ट्रेन टिकट बुक करेंगे तब दोस्तों आपका हाई चांस है कि आपका टिकट कंफर्म हो ही सकता है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं रिसर्च के ऊपर में कि आपको दोस्तों किस तरीके से रिसर्च करके अपना ट्रेन टिकट वेटिंग लिस्ट में बुक करना है। सो दोस्तों यहां पर मैं आपको एग्जांपल के तरीके पे समझाना चाहता हूं कि मैंने पटना जंक्शन से हावड़ा जंक्शन के लिए 20 दिसंबर को सभी ट्रेनें सर्च करी। अब दोस्तों मैं यहां पर दो ऐसे ट्रेनों के बारे में आपको बताता हूं जो कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक ट्रेन में पटना से हावड़ा के लिए 20 दिसंबर को 33 वेटिंग लिस्ट है, लेकिन यहां पर जो चांसेस बता रहा है वो दोस्तों IRCTC के वेबसाइट पर बता रहा है 79% चांस टिकट कंफर्म होने का 20 दिसंबर तक। अब दोस्तों वहीं पर एक और ट्रेन है पटना से हावड़ा के लिए 20 दिसंबर को, यहां पर दोस्तों 16 वेटिंग बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जब वेटिंग लिस्ट ज्यादा बताएगा तब दोस्तों परसेंटेज कम बताना चाहिए और जब वेटिंग लिस्ट कम बताएगा तब दोस्तों परसेंटेज ज्यादा बताना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ उल्टा हो रहा है। और यहाँ पर एक और ट्रेन में 16 वेटिंग लिस्ट है और परसेंटेज पता है कितना बताया जा रहा है, 72%। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 33 वेटिंग में 79% चांसेस और मात्र 16 वेटिंग है तब 72% ही चांसेस। मतलब दोस्तों मान के चलिए कि कोई एक ट्रेन में 1 वेटिंग लिस्ट है तो चांसेस बता रहा है कितना, 50%, और अगर कोई ट्रेन में 20 वेटिंग लिस्ट है तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि चांसेस बता रहा है 80% चांसेस। तब दोस्तों यहाँ पर जनता लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, जिसमें वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है उसमें बुक करें या फिर जिसमें वेटिंग लिस्ट कम है उसमें बुक करें, या फिर जिसमें परसेंटेज ज़्यादा बता रहा है उसमें हम टिकट बुक करें या फिर जिसमें परसेंटेज कम बता रहा है उसमें टिकट बुक करें। चूँकि दोस्तों यहाँ पर एकदम देख रहे हैं अगर वेटिंग लिस्ट यहाँ पर ज़्यादा बता रहा है तो यहाँ पर परसेंटेज भी ज़्यादा बता रहा है, वेटिंग लिस्ट कम बता रहा है तब दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज भी कम बता रहा है, तब दोस्तों आप किस पे विश्वास करें, वेटिंग लिस्ट पे या फिर दोस्तों परसेंटेज पे। सो दोस्तों चलिए अब मैं आपको यहीं पे क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों देखिए जब भी आपके पास ये सिचुएशन आए तब दोस्तों सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दीजिए जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज चांस बता रहा है। मतलब दोस्तों वेटिंग लिस्ट सबसे पहले मतलब नहीं है, सबसे पहले वो देखिए कि किस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज बता रहा है। मतलब दोस्तों एक ट्रेन में जैसे कि मैंने कहा 33 वेटिंग लिस्ट और 79% चांस, तब दोस्तों उस ट्रेन को सबसे पहले आप देखिए कि अच्छा इसमें 79% चांस है, तब आपको यह फिर देखना है कि अच्छा ये ट्रेन जो मैं टिकट बुक करूँगा ये दोस्तों मेरे को कौन वाला वेटिंग लिस्ट नंबर मिलने वाला है, GNWL वाला या फिर RLWL वाला या फिर PQWL वाला। दोस्तों ये चेक करने के लिए दोस्तों आपको कौन वाला वेटिंग टिकट मिलने वाला है, जब दोस्तों आप ट्रेन सेलेक्ट करके आप प्रोसेस करेंगे तब दोस्तों वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका कौन वाला वेटिंग टिकट मिल रहा है, GNWL वाला या फिर RLWL या फिर PQWL। तो दोस्तों अगर परसेंटेज ज़्यादा बता रहा है और अगर आपका वो टिकट GNWL में है तब दोस्तों आप प्रेफरेंस 1 दीजिए और वो टिकट बुक कर दीजिए, 99% दोस्तों वो टिकट आपका ट्रेन चार्ट बनने तक कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पटना से हावड़ा जंक्शन के लिए 20 दिसंबर को इस ट्रेन में तो 33 वेटिंग लिस्ट है, साथ ही साथ इसमें 79% चांस बता रहा है कंफर्म होने के, और साथ ही साथ इसमें दोस्तों ये GNWL वाला वेटिंग टिकट है। तो दोस्तों आप सबसे पहले उसको बुक कर दीजिए। दोस्तों एक और सेकेंड ट्रेन है जैसा कि मैंने कहा था इसमें दोस्तों 16 वेटिंग लिस्ट बताया जा रहा है। अब दोस्तों कई लोग सोचेंगे अरे इसमें तो 16 वेटिंग लिस्ट है तो मैं इसको क्यों नहीं बुक करूँ, रुकिए रुकिए यही लोग गलती कर देते हैं। जब इसमें 16 वेटिंग लिस्ट है तब दोस्तों आपको
फिर से मैंने कहा कि यहाँ पर आप देख लीजिए क्या कि ये ट्रेन मेरे को किस में मिल रहा है, कौन वाला वेटिंग लिस्ट है, JNWL, RLWL या फिर PQWL। तब दोस्तों इसके लिए सबसे पहले फिर से आपको ट्रेन सेलेक्ट करके आपको वहाँ पर प्रोसेस करना है। जब दोस्तों आप प्रोसेस करिएगा तब दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका कौन वाला वेटिंग टिकट मिलने वाला है। तो दोस्तों जब मैंने इस ट्रेन को सेलेक्ट किया तब दोस्तों मैंने चेक किया कि ये ट्रेन में वेटिंग टिकट मेरे को मिलने वाला है RLWL। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले JNWL वाला कंफर्म होता है, उसके बाद ही RLWL वाला कंफर्म होगा। तो दोस्तों जब ये आपको RLWL मिल रहा है तब दोस्तों थोड़ा सा उससे कम चांस है ये टिकट कंफर्म होने का। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि टिकट कंफर्म नहीं हो पाएगा, ये भी कंफर्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा चांस कम है JNWL से कंफर्म होने का। सो दोस्तों जब भी आपको सबसे पहले टिकट मिले तब दोस्तों आपको देखना है कि कितना परसेंट चांस बता रहा है। अगर दोस्तों सबसे ज़्यादा परसेंट चांस बता रहा है तब उसको सिलेक्ट कीजिए, और अगर दोस्तों वो टिकट आपका JNWL में है तब दोस्तों उसको बुक कर ही दीजिए। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि मान के चलिए अगर RLWL वाला भी परसेंटेज ज़्यादा बताएगा और JNWL वाला परसेंटेज कम बताएगा तब किसको सिलेक्ट करें, तब किसको बुक करें। तब दोस्तों आपको RLWL वाला में अगर परसेंटेज 80% से ज़्यादा बता रहा है तब दोस्तों आप RLWL वाला को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली कंक्लूजन यह है कि जब दोस्तों IRCTC की वेबसाइट से आप परसेंटेज चेक कर लीजिए, जब दोस्तों आप वेटिंग में टिकट बुक करते हैं तब दोस्तों मोबाइल में अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और दोस्तों आप वहाँ पर चेकआउट कर लीजिए कि इस जंक्शन से इस जंक्शन में इतना वेटिंग लिस्ट है। और जब दोस्तों वेटिंग लिस्ट पर क्लिक करिएगा तब दोस्तों वहाँ पर कन्फर्म प्रोबेबिलिटी बताएगा, जब वहाँ पे आप टिक कीजिएगा तब दोस्तों आपको परसेंटेज बताया जाएगा कि इतना परसेंट चांस बता रहा है। तब दोस्तों अगर IRCTC के वेबसाइट में दोस्तों अगर वो टिकट 70% या उससे ज़्यादा चांस बता रहा है तब दोस्तों वो टिकट है आपका हाई चांस कन्फर्म होने का। दोस्तों आप वो टिकट को बुक कर सकते हैं, वो टिकट जो है ट्रेन चार्ट बनने तक हाई चांस है कि कन्फर्म हो जाएगा। सो दोस्तों बस यह एक अनुमान है कि 70% या 70% से ज़्यादा बताएगा तब दोस्तों आप हाई चांस ले सकते हैं, और दोस्तों अगर 50% से 70% चांस बताएगा तब दोस्तों आप मीडियम चांस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 50% से कम चांस बता रहा है IRCTC के वेबसाइट में तब दोस्तों मेरा सजेशन है आप वो टिकट बुक मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों वो टिकट आपका कंफर्म नहीं होने वाला है। सो दोस्तों जब भी आप वेटिंग में टिकट बुक करते हैं और दोस्तों अगर आप इस तरीके से रिसर्च करके आप टिकट बुक करते हैं तब दोस्तों उम्मीद है कि वो टिकट आपका ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चांस है कि वो टिकट आपका कंफर्म हो सकता है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।